Next example 17. Find the general solution of the differential equation dy by dx plus sine of x plus y upon 2 is equal to sine of x minus y upon 2. So logically what we will do, dy by dx is equal to, इसको यही रहन दो, उसको उस साइड में लेके जाओ, तो ये होगा dy by dx is equal to sine of x minus y upon 2 minus sine of x plus y upon 2. अभी कौन सा फॉर्मूला आपके माइंड में आता है, तो ये using sin c minus sin d. If I consider this as c and that as d, I am going to use sin c minus sin d. What is sin c minus sin d? पहले cos आएगा कि sin आएगा? बिल्कुल सही है, पहले cos आएगा. Sin c minus sin d is 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2. Sin c plus sin d होता तो पहले sin आता बाद में cos आता. Sin c minus sin d है तो पहले cos आएगा बाद में sin आएगा. तो sin c minus sin d यानी पहले cos यानी 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d by 2. बस ये जम गया तो आगे वेरी सिंपल. सो दिस इज 2 cos ऑफ c यानी कौन x minus y upon 2 plus x plus y upon 2 टोटल डिवाइड बाय 2 into sin ऑफ c यानी कौन x minus y upon 2 minus d यानी कौन x plus y upon 2 total divided by 2. LCM 2 आएगा तो numerator सिर्फ add होगा x minus y plus x plus y x minus y plus x plus y और उसके बाद LCM लेने के बाद ये 2 नीचे आ गया 2 into 2 हो गया. यहाँ क्या होगा ये आएगा x minus y ये होगा minus x minus y minus sign दोनों को distribute होगा इसके वजह से 2 नीचे आ गया 2 into 2. अब इसमें cancel क्या होता है देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हुआ और इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 2 कॉस ऑफ 2 एक्स अपॉन 4 इंटू साइन ऑफ माइनस 2 वाई अपॉन 2 इंटू 2 इज 4. 2 से डिवाइड किया तो होता है 2 कॉस ऑफ यहाँ आएगा एक्स बाय 2 यहाँ आएगा साइन ऑफ माइनस वाई बाय 2. बट वॉट इज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बिल्कुल करेक्ट है तो ये माइनस साइन नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल के पूरा यहां लग जाएगा तो dy by dx होगा माइनस 2 cos of x by 2 into sin of y by 2 सिंस sin of माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा. अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर सकता हूं मैं इसको dx को उधर लेके जाऊंगा sin of y by 2 को इधर लेके आऊंगा तो ये हो गया 1 upon sin of y by 2 into dy is equal to minus 2 into cos of x by 2 into dx. 1 upon sin means cosec of y by 2 into dy is equal to minus 2 integration of cos of x by 2 into dx plus c. Now, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स दो फॉर्मूले इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec x minus cot x plus c और log of mod of tan of x by 2 plus c दो फॉर्मूले इसमें सेकंड वाला नॉर्मली JEE में यूज करते हैं. क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log of tan of x by 2 plus c. सो दिस इज log of tan of y by 2 upon 2 क्योंकि x कौन है y by 2 तो x by 2 क्या होगा y by 2 upon 2 डिवाइडेड बाय जिसको आपने u पकड़ा उसका डेरिवेटिव व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y by 2 1 by 2 से डिवाइड किया माइनस 2 कांस्टेंट है इसमें भी इसको u पकड़ा cos u का इंटीग्रेशन sin u यानी माइनस 2 sin ऑफ x by 2 डिवाइडेड बाय जिसको u पकड़ा उसका डेरिवेटिव व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x by 2 1 by 2 प्लस c 1 क्योंकि ये 2 ऊपर जाने वाला है ये भी 2 ऊपर जाने वाला है. So 2 times log of mod of tan of y by 4 is equal to minus 4 ये 2 ऊपर चला गया minus 4 sin of x by 2 plus c 1 I will divide both sides by 2 तो I get log of tan of y by 4 is equal to यहाँ minus 2 बचेगा sin of x by 2 plus c होगा क्योंकि c यानी कौन रहेगा ये c 1 divided by 2 ये टर्म बन जाएगी. This is the answer.